बचपन खो रहे हैं, वो जो फुटपाथ पे ख्वाब सो रहे हैं, वो जो सड़कों पे बचपन खो रहे हैं, वो जो फुटपाथ पे ख्वाब सो रहे हैं, वो जो बिन आंसू रो रहे हैं, वो जो बिन उपज ही फसल बो रहे हैं, वो जो बिन उपज ही फसल बो रहे हैं, उनका दर्द क्या है, उनका मर्ज क्या है, उनका दर्द क्या है, उनका मर्ज क्या है, उनके लिए गर्मी और सर्द क्या है, तुम समझोगे क्या? जिन पर घुंघरू एक बोझ रहे हैं, जिनकी रूह परिंदे नोच रहे हैं, जिन पर घुंघरू एक बोझ रहे हैं, जिनकी रूह परिंदे नोच रहे हैं, जिनके जिस्म बनते दुकान रोज रहे हैं, जो कोठा छोड़ एक घर का कोना खोज रहे हैं, जो कोठा छोड़ एक घर का कोना खोज रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनके लिए सुबह और शाम क्या है, तुम समझोगे क्या, तुम समझोगे क्या? सड़कों की अंधेरी रातों की चीखें जो पी रही हैं, बढ़ती रोज तारीखों से लड़कर जो जी रही हैं, सड़कों की अंधेरी रातों की चीखें जो पी रही हैं, बढ़ती रोज तारीखों से लड़कर जो जी रही हैं, जार जार हुए कपड़ों से लेकर जख्मों को जो सी रही हैं, जिनकी आंखें इंसाफ के लिए तकती रही हैं, जिनकी आंखें इंसाफ के लिए तकती रही हैं, उनका खुदा क्या है, उनका खौफ क्या है, उनका खुदा क्या है, उनका खौफ क्या है, उनके लिए जीते जी मौत क्या है, तुम समझोगे क्या? बुढ़ापे के बोझ का जो कड़वा घूट पीते रहे हैं, महल के कोने में जो बंदियों सा जीवन जीते रहे हैं, बुढ़ापे के बोझ का जो कड़वा घूट पीते रहे हैं, महल के कोने में जो बंदियों सा जीवन जीते रहे हैं, जो दो रोटी के लिए भी तरसते रहे हैं, जिनकी निरंतर जिनकी आंखों से आंसू बरसते रहे हैं, निरंतर जिनकी आंखों से आंसू बरसते रहे हैं, उनका जहान क्या है, उनकी संतान क्या है, उनका जहान क्या है, उनकी संतान क्या है, उनके लिए छत और मकान क्या है, तुम समझोगे क्या? पल पल किसी साए की आहटें जो डर बिखेरती रही हैं, बेनाम बातों की छुअन जो रूह पर जख्म उकेरती रही हैं, पल पल किसी साए की आहटें जो डर बिखेरती रही हैं, बेनाम बातों की छुअन जो रूह पर जख्म उकेरती रही हैं, और ये प्रकृति जिसके जिस्म के टुकड़े समेटती रही है, ये प्रकृति जिसके जिस्म के टुकड़े समेटती रही है, उसकी कैद क्या है, उसकी आजादी क्या है, उसकी कैद क्या है, उसकी आजादी क्या है, उसके लिए अर्थ शहजादी क्या है, तुम समझोगे क्या, तुम समझोगे क्या? माहौल काफी गंभीर हो गया है। मैं एक शायरी से अंत करना चाहूंगी कि हर किसी की मुकम्मल कहानी नहीं होती, हर किसी की मुकम्मल कहानी नहीं होती, कृष्ण अगर मिल जाते तो मेरा इस कदर दीवानी नहीं होती। धन्यवाद। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।